सो गाइज, ये जो नज़ारा दिख रहा है आपको, ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है गाइज। जो ये बीच में बह रही है नदी, ये काली नदी और जो पार्क का एरिया। सुनो गाइज, कभी अगर आपके पास पैसा ना होता, चचा अन्नदान भी करते हैं, आप फ्री में भी खा सकते हो ऐसे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज जा रहा हूँ मैं फैमिली से दूर खूबसूरत वादियों की तरफ, मटकोट मंसहरी की तरफ। तो जा रहे हैं हम यहाँ से मटकोट की तरफ। आप अपना ख्याल रखिएगा, टाइम से खाना खाइएगा और इसका भी ख्याल रखना। जाते हुए कुछ ऐसी परंपरा है कि जाते हुए टीका चंदन करके भेजते हैं घर से। अपना ख्याल रखना और रात के 4-4 बजे तक वीडियो एडिट करने मत रहना और टाइम से खाना खाना। ठीक, तो जैसिका तुम भी पढ़ाई में ध्यान देना और चाची का भी ख्याल रखना। ठीक है, तुम तो समझदार लड़की हो ना। तो मैडम ठीक है, चले फिर। सो गाइज, हो गई अपनी एवेंजर तैयार मटकोट मंसहरी की तरफ जाने के लिए। और मैडम ख्याल रखना अपना। तो गाइज चलते हैं, अब आगे को मिलते हैं कुछ खास स्पॉट पे। सो गाइज, ये पहुंच गए मैं अपने घर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर आगे जाजर देवल की तरफ। और ये है जाजर देवल का पेट्रोल पंप, यहाँ पर भरेंगे पेट्रोल फिर बढ़ेंगे आगे। गाइज अभी निकलूँगा मैं यहाँ से वाया जोल जी भी होते हुए। तो गाइज, पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी पहुँचा हूँ शिव मंदिर सतगढ़ पर। और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मतलब आवन जावन में आप टीका चंदन करके सफ़र कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइज, अगर मैं कभी सफ़र में जाऊँ और रोड साइड में मंदिर दिखे तो मैं रुक के ज़रूर वहाँ पे टीका चंदन भेंट चढ़ा के फिर बढ़ता हूँ गाइज को। तो गाइज, अभी पिथौरागढ़ से 28 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया और कनाली छिना से जस्ट थोड़ा ही आगे पे हैं। और अब निकलना है इस साइड को गाइज, इस साइड से आगे को, मतलब कुछ ऐसा है कि ये पहाड़ी है जो पीछे से, इस पहाड़ी के इस साइड कनाली छिना और इस साइड को निकलना है। और इधर को पड़ेंगे मुनछहरी, धारचूला, डीडीआर। तो मैं निकलूँगा मटकोट को इसी रोड से आगे को। और आज मौसम किस समय बादल लग रहे हैं तो किस समय धूप लग रही है। अभी देखिए कितनी तेज़ धूप लग रही है और चेहरे पर भी काफ़ी पसीना पसीना हो गया गाइज। इसके चलते अब बढ़ता हूँ आगे को और दिखाता हूँ आपको और भी शानदार नज़ारे। अभी पहुंच गए हम ओगला, ये है ओगला का मार्केट। और आपको डीडीआर जाना है यहाँ से तो इस रोड से जा सकते, इस रोड से है पिथौरागढ़ से और जाना है इधर को गाइज जोल जीबी की तरफ के लिए रोड। और सामने है चेक पोस्ट ओगला। सो गाइज, ये जो नज़ारा दिख रहा है आपको, ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है गाइज। जो नदी बह रही है बीच में, ये काली नदी, महाकाली भी कहते हैं इसे। और जो इस साइड जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है इंडिया गाइज। और इस नदी के उस पार जो है वो है नेपाल। और जिस जगह पर हूँ ये जगह है जोल जीबी। और यहाँ पर नज़ारे बड़े शानदार दिख रहे हैं गाइज, एक बार मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइज। और ये जगह है जोल जीबी, उधर दिख रही होगी गाइज आपको, वो है जोल जीबी की मार्केट। गाइज, उस जोल जीबी मार्केट से पहले पहले पड़ता है एक पुल, उस पुल से एक रोड कटती है धारचूला के लिए और एक रोड जाती है उधर को मटकोट मंसहरी के लिए। सो उस पुल पे पहुंच के आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ गाइज। सो गाइज, ये है वो जोल जीबी का पुल। इस पुल से आए पिथौरागढ़ से अगर आपको जाना है धारचूला का, तो इस पुल से इधर को जा सकते हैं। इधर को धारचूला की रोड है और मंसहरी जाने के लिए इधर को। सो गाइज, मिलता हूँ मैं आपको
मतकोट वाली रोड पे। सो गाइस, ये जो नदी बह रही है ये है गोरी नदी। जोलजीबी से लेकर मतकोट तक का सफर इसी गोरी नदी के किनारे किनारे गाइस, और नदी के किनारे किनारे सफर करने का मजा ही कुछ और है गाइस। तो गाइस ये नज़ारा है मतकोट से 1 किलोमीटर नीचे की तरफ का। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का झरना बहता है और जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सामने जो बह रही है गाइस ये नदी है गोरी नदी। जोलजीबी से यहाँ तक का सफर इसी नदी के किनारे किनारे हुआ। और बताइएगा ये नज़ारा कैसा लगा आपको, कुछ पसंद आए तो गाइस प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस वीडियो देखते हो आप लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कभी मतकोट आओ तो इस जगह पे जरूर आएगा, नदी और झरना दोनों के मजे ले सकते हैं आप। सो गाइस ये रोड है मुंशियारी के लिए और देखिए ये है मतकोट का पुल और ये है मतकोट के लोग, मतकोट की बकरिया गाइस। सो गाइस पहुंच गया मतकोट और ये है मतकोट की मार्केट। और काफी लंबा सफर किया आज, 4 घंटे के सफ़र में लग गए पूरे 7 घंटे। और रहूँगा मैं इसी होटल में, इस होटल में ठहरा संगम होटल और ये है ओनर। सो गाइस पहुंच गया मतकोट में ज्ञान सिंह चचा के होटल पर और यहीं होकर डिनर, ये है चचा का किचन। सो गाइस रात को बज गए 9 और अभी चल रहे हैं हम डिनर करने ज्ञान सिंह चचा के वहाँ। तो गाइस आप कभी भी आओ मतकोट की तरफ तो ज्ञान सिंह चचा बिष्ट भोजनालय पर ज़रूर आइएगा। और अगर आपके पास पैसा ना हो, सुनो गाइस कभी अगर आपके पास पैसा ना हो तो चचा अन्नदान भी करते हैं, आप फ्री में भी खा सकते हो यहाँ से।